गियर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 2020 के टॉपर की आंसर शीट विज्ञान विषय की तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या आंसर्स दिए गए हैं बोर्ड टॉपर द्वारा 18 मार्च दो बीस को ये पेपर हुआ था ऐसी ही आंसर शीट आपको भी मिलेगी बोर्ड एग्जाम में तो इस वीडियो को फुल स्क्रीन और फुल एच में देखना है आपको फुल एच में अगर आपको देखना नहीं आता तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उस पर एक बार टच करिए टच करते ही आप देखेंगे वीडियो के कोने में राइट कॉर्नर में छोटे छोटे तीन डॉट व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं उस डॉट पर एक बार फिर से उंगली से टच करिए आपके सामने एक छोटा सा पोपर विंडो खुलेगा वीडियो चलता रहेगा वीडियो की टेंशन मत लीजिए और वहाँ पे क्वालिटी नाम का एक ऑप्शन दिखेगा उस क्वालिटी नाम के ऑप्शन पे फिर से से टच करिए और जो क्वालिटी है आप चार सौ पी या सात सौ बीस पी एक हज़ार जो भी आपका मोबाइल सपोर्ट करता है मैक्सिमम वाला आप उसको ओके okay कर दे उस पर टच कर दे वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और आपकी वीडियो जो है दो सेकंड में एक सेकंड में साफ हो जाएगी आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी कौन सी सही चलेगी ठीक है तो यहाँ पर सारे के सारे आंसर्स आपके सामने हैं इसका क्वेश्चन पेपर का आंसर मैंने बहुत पहले मार्च में एग्जाम हुआ था तो जिस दिन एग्जाम हुआ था उसके दूसरे दिन ही बना दिया था पूरा का पूरा सोलूशन तो आप उसको भी देख सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम चीज़ है तो ये पूरी की टॉपर की आंसर शीट है दूसरी बात अगर आप इस चैनल पर पहली बार या नए आए हुए हैं तो आपको एक चीज़ जरूर करनी है कि आपका जो टेंथ क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर विजिट करना है अगर आपने उसको विजिट नहीं किया तो आप इस चैनल का जीरो परसेंट फायदा उठा रहे हैं यानी कि आपको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा इस चैनल को जिस मकसद से बनाया गया है उसका मकसद यही है कि हर बोर्ड के हर क्लास के स्टूडेंट के लिए अलग से एक ही प्लेलिस्ट बनाई जाए और उस प्लेलिस्ट में उस वोर्ड की और उस क्लास की सारी चीज़ें एक जगह डाल दी जाएँ तो जी हाँ टेंथ क्लास के प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको दो 19 20 की सारे की टॉपर्स की कॉपियाँ मिल जाएगी उसमें आंसर्स मिल जाएंगे 2015 16 17 18 19 20 के क्वेश्चन पेपर्स उसके सोलूसन मिल जाएंगे 2021 के लिए जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक जारी किए गए हैं और मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उनको सॉल्व करके डाल दिया गया पीडीएफ के रूप में तो आप उनको भी देख सकते हैं तो आपको सिंपली करना क्या है टेंथ क्लास की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे नाम लिखा हुआ आपका आर बी एस सी टेंथ क्लास टॉपर आंसर शीट विज्ञान का तो उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे कार्यालय जो नाम है उसके ऊपर जैसे ही उंगली से टच करेंगे सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरी की पूरी टेंथ क्लास की प्लेलिस्ट वहां वहाँ लिखी गई है आर बी एस सी टेंथ क्लास पेपर एग्जाम पेपर्स के नाम से उस पर टिक टिक करेंगे ब्लू कलर के आइकन पे या ब्लू कलर का जो नाम लिखा है उस पर लिंक पे तो ऑटोमेटिक आपके सामने प्ले पूरी की पूरी खुल जाएगी आप नीचे तक पूरा प्ले विजिट करेंगे तो हाफ़ ईयरली पेपर्स आपके पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस के बीस के पेपर्स आपके मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस आपके क्वेश्चन बैंक आपके टॉपर्स की कॉपी एवरी थिंग वहाँ पर जो आपको ज़रूरत है वो सब कुछ मिल जाएगी तो अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो ज़रूर उसको विजिट करें और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि आपको कैसे लिखना है और कैसे आंसर्स देना है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा नहीं केवल आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है और क्या क्या चीज़ें देखनी है आपको हमेशा जो है अपने आंसर्स लिखते समय इतने साफ़ लिखने हैं कि कोई भी आदमी पढ़े दूसरा तो उसको समझ में आ जाए एग्जामिनर को भी समझ में आना चाहिए उसके अलावा आपका भाई बहन भी कोई पढ़े आपकी कॉपी को तो उसको भी समझ में आ जाना चाहिए तो इतनी साफ़ आपकी राइटिंग होनी चाहिए ये नहीं कहता कि बहुत बेहतर हो लेकिन ठीक ठाक होनी चाहिए जो कोई भी समझ पाए तो ये आंसर आपके सामने है आपने देखा अट्ठाईस नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए गए हैं हर चीज़ को आपको तरीके से लिखना है साफ साफ लिखना है वर्ड लिमिट नहीं होती है एग्जाम में वर्ड लिमिट नहीं होती है यानी कि आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है या फिर जितना बोला है डेढ़ शब्द लिखना है तो डेढ़ शब्द भी लिखने की जरूरत नहीं होती केवल आपको सिंपली क्या करना है कि जितना आंसर पूछा जाता है और जितना आपको आंसर आता है उतना पूरा का पूरा लिख देना है सही सही क्योंकि एग्ज़ामिनर आपके वर्ड को नहीं गिनता है कि आपने कितने वर्ड्स में आंसर दिए हैं ठीक है तो ये ध्यान रखना है आपको और सारे सारे जो डायग्राम बनाने हैं वो पूरे के पूरे साफ़ सुथरे बनाने हैं और उनके सभी के नाम भी आपको लिखने हैं तो इस तरह से आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करेंगे दो में आशा करता हूँ आप में से कोई टॉपर बने और जिसकी आंसर शीट मैं इस वीडियो में या इस चैनल पर डालूँ और ये मेरा अनुरोध है कि जरूर आप टॉप करें और एक अनुरोध और है कि आप जरूर इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि दूसरे दोस्तों तक ये वीडियो पहुँच पाए या चाहे तो आप टेंथ क्लास की जो प्ले अभी आप विजिट कर रहे हैं तो उसको भी आप जरूर शेयर कर दे और ये जो पीडीएफ फाइल है इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो 2021 एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बने रहिए इस चैनल के साथ में और पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए शेयर जरूर करिए थैंक यू वेरी मच